नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू दी मोटर टॉर्शन। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबने टाइटल में देखा होगा, आज हम बात करने वाले हैं किया सेल्टोस GTX प्लस DCT पेट्रोल वेरिएंट की माइलेज के बारे में और कैसे हम माइलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में। तो अगर आप इस गाड़ी का ओनर रिव्यू चाहते हैं सेल्टोस GTX प्लस DCT पेट्रोल वेरिएंट का और सेल्टोस HTX प्लस डीजल मैनुअल वेरिएंट का, तो आपको जो ओनर रिव्यू है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा और इस वीडियो के एंड स्क्रीन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हो सके तो हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ तीन काम आपको करने हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास है सेल्टोस का GTX प्लस DCT पेट्रोल वेरिएंट, जिसको रिसेंटली मेरे कजन ने खरीदा है। तो आपको मैं इसका एक जनरल ओवरव्यू दूं, तो इस गाड़ी में हमें मिलता है BS6 कंप्लायंस का पेट्रोल इंजन, जो हमें प्रोवाइड करता है 138 BHP की पावर, 242 Nm का टॉर्क। और ये इंजन जो कंपनी क्लेम्ड माइलेज प्रोवाइड करता है वो है 16.8 KMPL की। और अगर हम मेजर फीचर्स की बात करें तो इसमें हमें मिल जाती है यूवो टेक्नोलॉजी, 6 एयरबैग्स, बोस का साउंड सिस्टम, सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स और एयर प्यूरीफायर, मूड लाइटनिंग। इसके अलावा इसकी जो ड्राइवर सीट है, उसकी खास बात यह है कि इसमें हमें 8 वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाती है, जिसको हम इंक्लाइन एडजस्टमेंट, सीट हाइट एडजस्टेबल एडजस्टमेंट और फॉरवर्ड बैकवर्ड, इस तरह से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें हमें मिल जाता है 10.25 इंच का टच इन्फोटेनमेंट और ऑटो AC। तो अब हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी की एक्चुअल माइलेज के बारे में। तो दोस्तों, कंपनी जो क्लेम करती है सेल्टोस ऑटोमेटिक पेट्रोल वेरिएंट के लिए, वो है 16.8 KMPL की माइलेज, लेकिन हमें जो माइलेज मिली है एक्चुअल माइलेज, वो है 9 KMPL की माइलेज। आप देख सकते हैं मीटर में ये गाड़ी जो है 157 किलोमीटर चली है। और भाई का कहना था कि ओनर का कहना था कि ये गाड़ी जो है मैक्सिमम टाइम ट्रैफिक में चली है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक। शायद कुछ लोगों को पता हो कि दिल्ली टू मेरठ जो रास्ता है काफ़ी जाम में रहता है, तो उसी जाम में ये गाड़ी चली है। तो दोस्तों, वैसे तो 9 KMPL की जो माइलेज है वो उतना अच्छा नहीं है एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन इसके पीछे दो बड़े कारण है। वो ये कि एक तो ये गाड़ी जो है मैक्सिमम टाइम ट्रैफिक में चली है, और दूसरा ये कि इस गाड़ी के जो ओनर है उनकी ये फर्स्ट गाड़ी है और वो गाड़ी चलाना अभी सीख रहे हैं। उनका खुद का ये कहना था कि वो गाड़ी को उतना स्मूथ अभी नहीं चला पा रहे हैं, उतना कॉन्फिडेंटली जितना उनको चलाना चाहिए, जिसकी वजह से जो माइलेज है वो उनको कम मिली। तो ये थी सेल्टोस DCT ऑटोमेटिक वेरियंट की एक्चुअल माइलेज। और अगर आप सेल्टोस से अच्छी माइलेज लेना चाहते हैं तो सिर्फ तीन बातें जो आपको ध्यान में रखनी होंगी। पहली ये कि जितना हो सके गाड़ी की RPM को 2000 से कम रखें। दूसरा ये कि जितना हो सके इंजन ब्रेक्स का इस्तेमाल करें। अगर आपको पता है कि सामने टर्न है या ब्रेकर है तो गाड़ी को रेस और ब्रेक देने के बजाय आप गाड़ी को ऑटोमेटिकली स्लो होने दें। और तीसरा ये कि जितना हो सके गाड़ी को स्मूथली ड्राइव करें, एकदम से ब्रेक और एकदम से रेस ना दें। सो ये थी सेल्टोस की एक्चुअल माइलेज। तो अगली वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे हम सेल्टोस की हीटिंग प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो ऑटो वर्ल्ड और सेल्टोस की हर लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। थैंक यू, जय हिंद।